कितने लोगों के सपनों में आपका प्यार आया है। हाई गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है एमसी इनसेन के नए गाने पर जो अभी रिसेंटली आया है, जिसका नाम है इंडियन मेलोडीज फीचरिंग क्रिस्टोजी ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो द फील एल्बम। ओके, सो ये ट्रैक भी द फील एल्बम से है। ओके, सो सेव मी लास्ट नहीं था। ओके, सो लेट्स सी ये ट्रैक कैसा होने वाला है और मुझे कैसा लगने वाला है। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो साइड में आईडी दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो जाके फॉलो करो। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग चैनल को भी चेकआउट कर लेना अगर मन करे तो। तो अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो स्टार्ट। कभी जो था गर्म है, गलतियाँ होती है सबसे, पर तुम माफ करो, दिल साफ करो। मैं रखता हूँ कमीज के अंदर दो पेन, एक पेन में शायरी, पेन से बस कुछ दर्द की लाइनें निकलती दूँ, जरा सा उससे तो डरो। ये फासले ना पेंगे मुझसे, मैं पीछे पीछे ये दूरियां लेंगे मुझसे, मैं करीब करीब दूर न फिर होना, मेरी जाना कभी तू ना मेरे लिए रोना, तू रहती ना पास मेरे, आस पास मेरे, जो कुछ भी था अपने उसके एहसास को तुम भूल गए, जाओगे कभी ना कभी तुम पास, तुम आओगे तभी तो कह पाऊंगा जो भी कहना है, बस तब तक ही सहना है, जब तक तुम आओगे नहीं, हो जब तक तुम आओगे नहीं, जब तक तुम आओगे नहीं, जब तक तुम आओगे नहीं, हम क्या करेंगे, सोचा है क्या कभी तुमने, अपनी फैमिली कह दिया तुझे इस दिल ने, ख्वाबों में आगे कहना कुछ चाहती, इशारे दिखाती, आहट है दिल में जात से मिल के गायब हो जाती, क्यों सभी को भूल के, पीछे छूटी यादें जब मिलाऊं तेरे सामने, तू नखरे दिखाती तब क्यों, होली का रंग मेरी ईद का, तू चांद त्योहार पे ना आए कभी तू, ओ बुलबुल तेरी आवाज सुना दे कभी तू, आज पर्दे के बाहर पे मुझे जाना, यूं अंधेरे में ना छुपा करो तू, हो हो सपनों में आके, हो हो सपनों में आके, हो हो सपनों में, सपनों में कुड़ी मेरे, सपनों में, सपनों में, सपनों में, सपनों में, एक ही जगह मेरे छुपने की, और वो मेरा सपना तुम आ चुकी, उधर भी जाने में तो बंदा ही मो, प्यार ना दो, फीलिंग से लो, दोनों ही एक्स्ट्रोवर्ट, जब भी हम मिले तब एक्स्ट्रोवर्ट, प्यार मिला हम लोग को लाश होकर, सबके रिश्ते टिके बातों पर, अकेला ही चलना ना लेना सहारा, वो करते हैं मदद फिर कहते बेचारा, पर चुप ही मैं रहता, मैं दुनिया से हारा, ऊपर से जिंदा मैं अंदर से ही, क्या होता हार क्या होती जी, मुझे बचाए मेरा संगीत, उजाले में नहीं अंधेरा है ठीक, नफरत मुंह पे दिल से है प्यार, चाम पिया होठों ने आंखों से निकली याद, प्यार का है धागा इन धागों में ना वो बात, मैं तेरा ही रहूंगा तू भले ही मेरी ना हो, तुम कहते हो ये पागलपन, तुम चाहे कुछ भी कहो, वैसा नहीं बन पाया जैसे हुई परवरिश, चाहिए सबसे दूरी मुझे चाहिए अपनी अंतरिक्ष, आंखों में तू देखते दे हाथ मेरे हाथ में, और कितना रोऊं बता तुम सभी के याद में, अब मुझ पे हंसते हैं लोग, उन्हें ये लगता है ड्रामा, मुझे पहुंचा दो वहाँ पे जहाँ पे रहते हैं अल्लाह और रामा, खत्म करो ये जख्म भरो, इंसान से ऊपर क्यों रकम करो, मैं कहता हूँ ठहरो थोड़ा रुको, वो कहते हैं मूव ऑन आगे बढ़ो, ये दिल मेरा टूटा है सभी से रूठा है, बात ये छूटी पर साथ न छूटा है, जो था साथ आज वो ये इंसान देख अंदर से टूटा है, क्यों जब तक तुम आओगे नहीं, हो जब तक तुम आओगे नहीं, जब तक तुम आओगे नहीं, जब तक तुम आओगे नहीं, हम क्या करेंगे, सोचा है क्या कभी तुमने, अपनी ही फैमिली कह दिया तुझे दिल ने, आ
ओके सो एमसी इनसेन के जितने भी ट्रैक आ चुके हैं ना, मतलब जितने भी मैंने सुने हैं, उनको बस मैं इतना कहूँगी कि फील करो, ये जो लिखते हैं ना बस उसको फील करो, और डेफिनेटली आप लोग फील करते ही होंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई फील ना करे। जो भी बातें उन्होंने बोली है ना अपने हर ट्रैक में, वो सारी बातें फील कर जाती है यार। सो इन्होंने इस ट्रैक में दिखाया स्टार्टिंग में कि वो सो रहे होते हैं, एकदम से उठते हैं और उनको वो लड़की दिखती है जो इंडियन गेटअप में होती है, और उसकी शादी हो गई होती है बेसिकली, तो वो सपना देख रहे होते हैं उस टाइम पे, और सपनों में वो जो चीज़ें फील करते हैं उस लड़की के लिए, और जो जो चीज़ें वो सोच रहे होते हैं, और जितना प्यार वो उससे करते हैं उस टाइम पे, और उस टाइम पे नहीं मतलब जितना अटैचमेंट उन्हें हुआ है, और जो फीलिंग एक होती है कि एक जिससे आप प्यार करते हो उसकी शादी हो गई है और उसके लिए क्या फील करते हो, वो सारी चीज़ें इनके लिरिक्स में आपको सुनने को मिलेगी। और एमसी इनसेन ने बीच में एक लाइन बोली थी कि एक ही जगह है मेरी छुपने की और वहाँ पर भी तुम आ गई। सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप लोगों मतलब कितने लोगों के सपनों में आपका प्यार आया है, मतलब कि आपका क्रश या जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप रिलेशन में हो, कितने बार सपना आया है। वैसे ये होता है, मतलब जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं ज़्यादा और उसी से रिलेटेड सपना भी आता है कभी ना कभी। तो मुझे ना वो लाइन बहुत अच्छी लगी थी, और एक ही लाइन नहीं है, वो पूरी लाइन, बहुत सारी लाइन है ऐसी जो बहुत बहुत अच्छी थी। और एमसी इनसेन ने वो वाली लाइन भी बोली ना, क्या होता हार क्या होता जीत, मुझे मुझे बचाए मेरा संगीत करके कुछ बोला था। तो जो एमसी इनसेन अपनी ट्रैक के ज़रिए अपनी फीलिंग्स बताते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा उनके लिए एक उन्हीं के लिए उनके लिए यही है सब कुछ मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से वो सारी बातें अपने दिल की कह देते हैं अपने ट्रैक में, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बस खुल के लिख पाते हैं और गा पाते हैं, बोल पाते हैं व्यूअर्स को सब अपने ट्रैक के ज़रिए, तो होगा उनके लिए सब कुछ, कि वो एमसी इनसेन के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी है। और जितना भी मैंने एमसी इनसेन को सुना है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ना बहुत दिल का साफ है, क्योंकि बस फील होता है यार, और ऐसा आप लोगों को भी लगता होगा। और एमसी इनसेन ने कुछ लाइंस में ये भी बोला था, जब हम किसी से प्यार करते हैं और किसी रीज़न की वजह से वो अलग हो जाता है, तो काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि भाई मूव ऑन कर, आगे बढ़ अपनी लाइफ में, वो काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन जब हम उस पॉइंट में होते हैं हमारे लिए वो ईजी नहीं होता है। एमसी इनसेन ने भी ये बोला कि कैसे भूल जाऊँ, है ना, सब बोलते हैं मूव ऑन कर, बट नहीं होता है, नहीं हो पाता है, सच में नहीं हो पाता है। बोलने के लिए तो हम भी किसी को ज्ञान बांट देते हैं, हम भी बोल देते हैं कि यार मूव ऑन कर आगे बढ़, और है भी ये बात सही, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि अटैचमेंट है जिससे हम प्यार करते हैं, वो एकदम से चला गया, उसको कैसे भूल जाए यार। बहुत सारी लाइन है, जो भी मैं बात करने बैठी ना अभी शाम हो जानी है, क्योंकि बहुत सारी लाइन है ऐसी जो बहुत ज़्यादा डीप थी और फील वाली थी। सो या यही था मेरा रिएक्शन इस ट्रैक पे, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये रिएक्शन। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग चैनल को भी चेकआउट कर लेना। सो मैं मिलती हूँ अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।